रहे हैं ग्रोसरी शॉप वाले गेम। तो चलो चलते हैं। इसके अंदर ऑयल है, ऑयल को सबसे पहले हम अरेंज कर देते हैं ऑयल के काउंटर में। बॉक्स को ओपन किया, प्लेस 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 प्लेस। अब इसमें जगह नहीं है तो इसको यहाँ पे थ्रो कर दो। इसके अंदर ब्रेड है, ब्रेड का काउंटर एक बार हमारे पास इधर नहीं है, एक बार इतना स्पेस। तो ये भी ब्रेड ही है। तो अब अपन अपने इसको ओपन करते हैं शॉप को और वेट करते हैं कि कस्टमर्स आए। लगता है एक भैया आ रहे हैं, देखते हैं ये क्या लेते हैं। ऑयल, इन्होंने एक ऑयल ही लिया है और ऑयल का बिल हुआ है $6.2। इनको चेंज देने हैं हमें 2.98 डॉलर। हमने इनको वापस चेंज दे दिया है। इन्होंने कार्ड से पेमेंट करनी है तो 7.19। इन्होंने ऑयल और चोकोस लिए हैं, इनकी पेमेंट कैश से करनी है। इनको अब 50 दे दिया, इन्होंने भी ऑयल लिया है। इनको भी चेंज देना है $2.98। ये हमने इनको भी चेंज दे दिया। इन्होंने तो ऑयल की पूरी दुकान ही ले ली। इनको भी इनका चेंज दे दिया। चलो ज़्यादा तो ऑयल ही बिक रहा है तो देखते हैं अब की बार ऑयल ही ज़्यादा ऑर्डर करूँगी। ये मैम क्या लेती हैं देखते हैं, चोकोस और ऑयल। इनको चेंज देना है 1.79 का। चेंज देना है, ये मैम को क्या चाहिए इनको पूछनी चाहिए। आज हमने बहुत कमाई कर दी। इसके अंदर ऑयल है, ऑयल को अरेंज कर देते हैं इससे पहले कि कस्टमर्स आए। प्लस 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 प्लस, ये क्या है। तो ब्रेड को हम इधर अरेंज करते हैं। प्लस 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 प्लस, इनकी डेट भी हमने दे रखी है। इसको यहाँ पर थ्रो कर देंगे। अब ये यहाँ क्या क्या है, ब्रेड ही ब्रेड है तो हम इसे अंदर ले लेते हैं। इनका बिल करके हम अपनी शॉप को क्लोज कर देंगे। इन्होंने लिए चोको $7.19 के, नो थैंक्स। इन्होंने भी लिया है ऑयल 6.02। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। अब हम कुछ और चीज़ें ऑर्डर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे फर्नीचर के अंदर रैक की ज़रूरत है और तो मैं एक रैक ऑर्डर कर
देखते हैं, अब सुबह सुबह हो गई है लेकिन हमारा रैक अभी तक नहीं आया है। चलो कोई नहीं, शॉप को ओपन करते हैं, सामान थोड़ा बहुत अरेंज करते हैं। मैम ने लिया है 2 ब्रेड और ऑयल। इनका बिल हुआ है 16.38 डॉलर का। हमें इनको देने हैं रिटर्न में 18.60। मैम और इनका बिल हुआ है 16.38। इनका बिल हुआ है 5.18। ये दादी ने एक ब्रेड ली है 5.18 की। ब्रेड ज़्यादा ले रही, मुझे ब्रेड के दाम बढ़ा देने चाहिए। 5.9 का है। जो पहले के कस्टमर से वो आई थिंक लकी थे जिन्होंने ब्रेड के दाम है थोड़े ज्यादा। बढ़ा देने चाहिए। मैं रैक भी आ चुका है पर मैं अभी रैक को कलेक्ट नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैम का बिल हुआ है 20.72 का। अब ये आई ब्रेड ही ले रहे लगभग, का को चेंज देना है 2.70। अपनी शॉप को करते हैं क्लोज। रैक को क्लोज करते हैं। इनका बिल करते हैं ब्रेड का, फिर स्टोर हो जाएगा और फिर मैं आज सारी रात बैठ के इधर मैनेजमेंट ही करूँगी। 45 देने हैं इनको, 10, 20, 30, 40, 45। अब सबसे पहले तो इसके अंदर ब्रेड को प्लेस कर देते हैं। ब्रेड एक बार इधर जितनी होंगी, इसके अंदर भी ब्रेड है। चलो कोई नहीं, ब्रेड ज़्यादा बिकती है तो मैंने ब्रेड भी ऑर्डर कर दी थी। इसके अंदर क्या है? एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। अभी ब्रेड हो गई है, अब हमें ऑर्डर करना है सामान। तो फन प्रोडक्ट के अंदर पहले तो एक चोकोस कर लिया, एक घी कर लिया, ऑयल दो कर लिए, दो ऑयल कर लिए। न्यू प्रोडक्ट है ये, सस्ता भी है तो हमने इसको भी दो कर लिया और इसको भी।
सब चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली हैं, लगभग एक एक दो दो। तो भाई ये एक हो गया, तीन ये हो गए, ठीक है। पास्ता दो करती हूँ, बाय बाय। थोड़ा बहुत काम करते हैं, सुबह तक हमारे प्रोडक्ट्स सब आ जाएंगे। तो मैं एक बार शॉप ओपन करती हूँ सुबह जल्दी, जिससे मेरे सारे प्रोडक्ट्स को मैं अरेंज कर दूंगी कस्टमर्स के आने से पहले। जरा देखो मेरी ग्रोसरी शॉप कितनी अच्छी है। हमारा एक पार्सल चोकोस का पार्सल तो आ ही गया। एक पार्सल आ गया, अब इसको थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में। अरे मैं नीचे हो रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।